हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल चार इजी एवरीडे एंड ऑफिस एंड कॉलेज गर्ल्स गोइंग गर्ल्स के लिए हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट जो हेयर स्टाइल है वो किस तरीके से होगा वो बता देती हूँ आपको। सबसे पहले अपने सारे बालों को इस तरीके से रखना है और ईयर के पास से थोड़ा सा हेयर इस तरीके से लेना है और ट्विस्ट करना है। इसको आप हेयर बैंड हेयर स्टाइल बता सकते हो। इस तरीके से आपको ट्विस्टिंग करते जानी है। सेल्फ बता रही हूँ तो आपको ईयर के पास से स्टार्ट करना है। इस तरीके से एक लेयर लेना है एंड ट्विस्ट करना है और थोड़े थोड़े से हेयर लेके लेयर के साथ मिक्स करते जाना है। इसको आप हेयर बैंड छोटी कह सकते हो। इसी तरीके से आपको पूरा इस ईयर तक लेके आना है ट्विस्टिंग करते हुए। ध्यान दीजिएगा पीछे से हेयर ना आए, बस फ्रंट फ्रंट के हेयर ही लेने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। इसको आपको यहाँ से हेयर को हटा देना है एंड दो बॉबी क्लिप्स या टिकटे क्लिप की मदद से इस तरीके से क्रॉस करके आपको लगा देना है एंड दैट्स इट। हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए। छोटे छोटे बाल हैं तो आप ये बना के ईजिली अपने ऑफिस में अपना न्यू एंड अट्रैक्टिव लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकंड हेयर स्टाइल यहाँ पे मैं सेंटर पार्टीशन से कर रही हूँ। अगर आप मैरिड हो एंड आपको साड़ी डाल के जाते हो आप ऑफिस में या फिर आप सिंदूर वगैरह लगाते हो तो आप मिडल पार्टीशन कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ से हेयर को इस तरीके से लेना है एंड इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करते टाइम ध्यान दीजिएगा जो ये आपकी लाइन बंधी है ये प्रॉपर जानी चाहिए। इस तरीके से पीछे तक आपको ट्विस्टिंग करना है। क्राउन एरिया तक आपको तो इस तरीके से आपको ट्विस्ट कर लेना है क्राउन एरिया तक। देन बैक साइड में आप एक टिकटे क्लिप या बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर कर लोगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड करना है। लाइन प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरीके से बना लेंगे क्राउन एरिया तक और ये बहुत इजी तरीके से बहुत ही स्टाइलिश एंड खूबसूरत सा आपका हेयर स्टाइल रेडी है। साड़ी सूट एंड मैरिड गर्ल्स हो तो उनके लिए। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया खुले बालों में और एवरीडे के लिए कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड जो हेयर स्टाइल है उसको हम लोग क्राउन एरिया के हेयर को इस तरीके से लेंगे और एक पोनी बना देंगे। मांग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं निकालनी है अभी। इस तरीके से हेयर को लेंगे ओके। ये वाली जो रबर बैंड होती है इसको बहुत टाइटली मत लगाइए क्योंकि ये बाद में खोलने में दिक्कत होता है। तो जितने में आपका काम बन जाए उतना ही टाइट रखिए। उसके बाद थोड़ा सा पफ का लुक दे देंगे फ्रंट में
एंड इसको साइड पार्टीशन कर देंगे बालों की। साइड पार्टीशन के साथ ये हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका। मैसी लुक के लिए थोड़ा सा इस तरीके से बालों को खींच लीजिए। तो साइड पार्टीशन करने के बाद से आपको हेयर के इस तरीके से सेक्शन लेने हैं, देन ट्विस्ट करना है। ओके, ट्विस्ट करने के बाद से इस तरीके से आपको पोनी के ऊपर से लेके जाना है हेयर को, ध्यान से देखिए, और नीचे ले जाके बॉबी क्लिप से या टिकटक क्लिप से सिक्योर कर देना है। दूसरी साइड भी इस तरीके से हेयर को लेंगे। इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्टिंग करने के बाद से अगेन पोनी के हेयर को ऊपर करेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाएंगे एंड टिकटक या बॉबी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया ऑफिस कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए खुले बालों में एंड छोटे। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया खुले बालों एंड छोटे बालों के लिए एंड ऑफिस एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। चौथे हेयर स्टाइल में आप फोर्थ हेयर स्टाइल अगेन मिडिल पार्टीशन से करेंगे। तो इस तरीके से बीच की मांग निकाल ली है एंड हेयर का इतना पार्ट आप उठाओगे एंड ट्विस्ट कर लोगे। ट्विस्ट करने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ पुल करेंगे इस तरीके से एंड इसको क्लिप से सिक्योर कर देंगे। ओके, दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। ट्विस्ट करेंगे, आगे की तरफ पुल करेंगे और टिक टैक क्लिप से सिक्योर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा हेयर स्टाइल। ये अभी तो ये थे आज के चार इजी एवरीडे हेयर स्टाइल फॉर कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स। एंड ये भी साड़ी पे जाएगा, इंडियन लुक के साथ अच्छा लगेगा। अगर आप ऑफिस और कॉलेज नहीं भी जाते हो, न्यूली मैरिड वुमेन हो, तो ये हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। आई होप कि आपको चारों हेयर स्टाइल अच्छे लगे। आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम और भी इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। और मेकअप एंड ब्यूटी टिप्स की वीडियोज मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती है डे बाई डे। मेरा सेकेंड चैनल है प्रीत तिवारी 2, जिसपे मेरी व्लॉग्स वीडियो अपलोड होती रहती है, तो वहाँ पर भी जरूर जाइएगा। आज मैंने एक खूबसूरत सा आई मेकअप किया था एंड खूबसूरत सा हेयर स्टाइल साड़ी पे कैसे बनाना है वो वीडियो शेयर कर दी है। तो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। बाय बाय। हाँ, और ये मेहंदी देख लो, ये भी अच्छी है काफ़ी। बाय।